नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो एकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम सितंबर 2020 के एग्ज़ामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड उन पे बात करेंगे। आइए थोड़ा मेरे बारे में। मैं सत्येंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर, ये थोड़ा सा मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस आपको देख के नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, आपके JRF में बहुत हेल्प होगी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली आपके एनारोबिक डाइजेशन से रिलेटेड है। एनारोबिक डाइजेशन कि जब भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेस डोमिनेट होती हैं, कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मीथेन गैस का, और इसके बाद में CO2। लैंडफिल पे मैंने एक लेक्चर बनाया है दोस्तों, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो जब हम लैंडफिल की बात करते हैं कि उसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो कहीं भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो मेनली दो गैसेस आपकी रिलीज़ होंगी ही होंगी, मीथेन और CO2। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, उसमें जो रिएक्शंस मैंने दी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से चीज़ें सोल्व कर लेते हैं। ये कई बार हम जो लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम देके रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और उसमें वो अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एनारोबिक डिकम्पोजिशन है, कहीं भी हो, लैंडफिल में हो, किसी डाइजेस्टर में हो, बायोगैस प्लांट में हो, तो उसमें मीथेन प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि बेसिक प्रोसेस एनारोबिक डिकम्पोजिशन का सेम रहेगा। अगर वो लैंडफिल लिख देंगे कल कि भाई कौन सी गैस निकलेगी तो भी आपका आंसर यही होगा, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलेगी तो भी आपका आंसर यही होगा। तो ध्यान से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग 10 बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक सभी ने क्वेश्चन सही किया होगा, कोई खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली एनारोबिक डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है इससे पहले। हमेशा मैं बोलता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है कंट्रीब्यूशन, एक होता है पोटेंशियल। उसकी सीक्वेंस बना के मैंने आपको दी हुई है कि किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है और किस गैस का कितना पोटेंशियल है। गिलबर्ट मास्टर की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी ने सही किया होगा, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन CO2 का है, उसके बाद मिथेन का, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का, उसके बाद में CFC-12 का। ये सिक्वेंस बनाइए, बाकी के जो आपके गैसेस हैं जैसे मैंने बताया गिलबर्ट मास्टर की बुक में है, पूरी दो लिस्ट बनाइए। पहली लिस्ट कंट्रीब्यूशन की सॉरी, और दूसरी लिस्ट पोटेंशियल की। ठीक है कि किस गैस का पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी ने सही किया होगा। इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार हम इस पर बात कर चुके हैं। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया, ये क्वेश्चन आया था, कितना फंड है, ये क्वेश्चन आया था,
इस बार इन्होंने बस सिंपली ये पूछ लिया द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड जो है वो किस एक्ट के अंदर जो है क्रिएट किया गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी ने सही ही किया होगा। अगला क्वेश्चन बेसिकली आपका ईआईए लेजिस्लेशन वाली यूनिट से है और इसमें आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। ई वेस्ट पे है, ई वेस्ट का को कैसे हम डिस्पोज करते हैं, बेसिकली मेन मोटिव ये जानने का है। स्टेटमेंट फर्स्ट में इन्होंने कुछ हजार्डस वेस्ट एलिमेंट दिए हैं लाइक लेड, मर्कुरी, हेक्सोल एंड क्रोमियम। ये सभी ई वेस्ट में होते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये पूछी कि जब इनमें ये प्रेजेंट है तो क्या इसका लैंडफिल करना चाहिए, ये जानने के लिए क्वेश्चन किया गया है। बेसिकली स्टेटमेंट टू है, लैंडफिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द बेस्ट ऑपरेशन फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ई वेस्ट पे पूरा का पूरे एक्ट बनाया गया है, रूल बनाया गया है कि भाई कैसे इसको हम डिस्पोज करें। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं जब भी अमेंडमेंट किया जाता है, तो उनको सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग यूनिट पे हम भेजते हैं। क्रिस्टल के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें दी है। उसके बाद में इसके जो हजार्डस पार्ट हैं या वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको सेपरेट किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसके बाद में जो बच जाता है नॉन हजार्डस वेस्ट उसको फर्दर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो लैंडफिल में बहुत ही कम अमाउंट इसका जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपके डेंजरस एलिमेंट मिलते हैं ई वेस्ट में। तो स्टेटमेंट वन जो है वो सही है कि भाई इसमें डेंजरस एलिमेंट है, बट जो स्टेटमेंट टू है वो सही नहीं है, ई वेस्ट को हम लैंडफिल के लिए नहीं भेजते, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये लीच आउट हो जाएगा और लीच आउट होके हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देगा। अगला क्वेश्चन जो है ये एनालिटिकल टेक्निक से है। लिस्ट वन में एनालिसिस दिया गया है और लिस्ट टू में एनालिटिकल टेक्निक्स दी गई हैं। तो सिंपली जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, जब भी हम पढ़ते हैं जितनी टेक्निक आपके सिलेबस में दी गई है वो टेक्निक्स की लिस्ट बनाइए, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये लिखिए, कौन कौन से एलिमेंट वो एनालिसिस करती है ये लिखिए। ये आप कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो लिस्ट ए में जैसा इन्होंने दिया है कि भाई आप टू एनालाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड और पोलुटेंट हम FTIAR यूज़ करते हैं, और एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ पोलुटेंट के लिए हम XRF यूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजी एनालिसिस के लिए SAM यूज़ किया जाता है, और क्रिस्टलिन मटेरियल देखने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं XRD। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऐसी लिस्ट बना के तैयार रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सही करेंगे। तो ये सही मैच करके आप, और इसका प्रिंसिपल भी लिख लीजिए। इसके बाद में आपका यूवी विजिबल हो गया, फ्लेम फोटोमीटर हो गया, AAAS हो गया, आपका GC हो गया, GCMS हो गया, इस टाइप से एक समरी बनाइए और उसको याद कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे सेपरेट करके डालूंगा तो कुछ महान अनुभव लोग कहेंगे अरे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आसान और हार्ड कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो चीज़ आपको पता है वो आपके लिए आसान है, जो आपको नहीं पता वो मुश्किल है। अगर इन्वायरमेंट साइंस की बात करें तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपली आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो उनसे एसोसिएटेड हैं वो दिए हैं, हमें लिस्ट मैच करनी है। तो हमेशा अपनी नॉलेज को
इस टाइप से रखिए कि आसान क्वेश्चन हो या मुश्किल क्वेश्चन हो जो हमसे एसोसिएटेड है उसको आप टैकल कर सको। अर्थवॉर्म, इन्होंने पूछा है कि भाई ये इस कौन सा कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। ठीक है, डेट्रीवॉर्स में पता ही है, ग्रासेस जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत ही आसान क्वेश्चन भी, कई बार लड्डू क्वेश्चन इनको बोलते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय, जब भी आप प्रैक्टिस करें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ध्यान से इनको भी सोल्व कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अरे ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सही मैच वाली लिस्ट बनाओ, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर सही आंसर जो है वो लिखो, उसके बाद में सही मैच वाली लिस्ट बनाओ, उस टाइप से इस क्वेश्चन को याद करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोगों ने सही किया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, OH रेटिकल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसमें आपसे पूछा गया कि भाई चार आपको कंपोनेंट दे दिए हैं कि शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज कौन सी है एटमॉस्फेयर में। तो पहले दो जो हैं आपके, आपको पता ही है, एक्चुअली पहले तीनों ही मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेज है की लिस्ट में है, तो लाइफ तो उसका लंबा है। वैसे ही अपना नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO2, इन सभी का लाइफ लंबा है। OH रेडिकल ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये भी आपको पता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका लाइफ कम, डेफिनेटली कम हो जाता है। तो ये तो आंसर की बात हुई, बट अगर आप थोड़ा सा और, मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट बता देता हूँ। मीथेन और CO2, इनका रिमूवल का जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है OH रेडिकल का। मैंने इस पे पहले डिस्कशन किया है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। ये जो OH रेडिकल है, बेसिकली इस पे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिला है, तो दो चार पॉइंट्स इसके लिख लेना कि भैया ये बहुत ही रिएक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड आपका स्पीशीज़ है एटमॉस्फेयर में, इसका लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है, और ये बेसिकली मिथेन और CO को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर से। इकोटोन पे ये क्वेश्चन है, बहुत बार इकोटोन पे मैं बात कर चुका हूँ, डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा कि फ्रेश वाटर और आपका टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम जो है, इसके जो यहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, राइपेरियन जोन। इसके अलावा हम एस्चुरीज़ की बात कर चुके हैं, हाइपोहराइक जोन की बात कर चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जो ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है, हाइपोहरिक जोन, ये किस टाइप का इकोटोन है, किन दो इकोसिस्टम के ट्रांजिशन जोन पे ये बनता है, आपने मुझे ये बताना है। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मुझे आंसर मिलेगा इसका। आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या मुझे मैसेज कीजिए, बट कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं पता तो सर्च कीजिएगा कि ये कौन से दो इकोसिस्टम के बीच में बनता है। अगेन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए हम ये रिपोर्ट हमें नहीं बनाना पड़ता। तो गलती होने के चांसेस कहाँ पे आते हैं इसमें, कि हम नॉट पढ़ना भूल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ध्यान से इसको, आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कैटेगरी बी के लिए, हम सॉरी B2 के लिए, कैटेगरी बी को भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, B1 और B2। तो B2 के लिए हमें फुल या ये रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पे भी बहुत बार हम बात कर चुके हैं, पूरा मैंने एक समरी बना के वीडियो में लिखा हुआ है, आई होप आपने उसको अच्छे से नोट किया होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आया है और घुमा फिरा के इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते कर रहे होगे, करते रहो, पढ़ते रहो, फर्स्ट पेपर को इग्नोर मत करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं
उनको थोड़ा थोड़ा करके सोल्व करना शुरू करो। रोज़ एक या दो टॉपिक ज़रूर करो। 10 न्यूमेरिकल का मैंने टारगेट दिया है आपको कि रोज़ करने हैं, होपफुली आप उसको कर रहे होगे। जितनी ज़्यादा मेहनत इस टाइम पे कर लोगे ना नोटिफिकेशन से पहले, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, वो लोग लगभग 90% अपना GRF कर चुके हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को गांठ बांध लो। नोटिफिकेशन से पहले पहले जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका GRF होगा। तो इसी उम्मीद में मैं आप लोगों के लिए नई नई लेक्चर बनाता रहूँगा। सारी क्वेरी में ले रहा हूँ, ठीक है, इकट्ठा कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उन पर भी यहाँ लेक्चर बनाऊँगा। क्वेश्चंस करने का मोटिव थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का रहता है, थोड़ी आपकी नॉलेज चेक करने का रहता है, जिससे कि आप थोड़ा सा अपडेट रहें। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने किया है इसे आप ज़रूर इसका जवाब देंगे मुझे। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।